बिस्मिल्लाह से इब्तदा है मेरी, आप सब सदा खुश रहें ये दुआ है मेरी। तो जी जी गाइस, ये आज असीं आलू तो लैके आए हैं ते सब्ज़ियाँ कुछ लैके आए हैं। आलू वगैरह तो सानूं दिखाए, तुसीं सोचदे हो कि अज इन्हां ने पता नहीं की पकाना, इन्ने टमाटर शमाटर बंद गोभी खीरे प्याज सारा कुछ इकट्ठा ही लाया जाता है। तो दरअसल गल यह हैगी है कि यह जी चीज़ा है ना, ये साढ़े घर डेली इस्तेमाल होनी है। तो वो किस तरह इस्तेमाल होनी है वो भी मैं तुहानूं दसांगी। तो देखो जी आसमान का रंग किड्डा सोहना, नीले रंग का किन्ना सोहना लगन दिया है। तो अब्दुल्ला साहब जिहड़े हैगे ना, वो कहिंदे जी मामा टमाटर तो बहुत ही सोहने, तो प्याज भी बहुत सोहना हैगा। अजकल ना हर चीज़ सलाबी सलाबी रही, मौसम भी बरसात का हैगा। तो मैं थोड़ा जीरा सी, तो मैंने धुप्पे पाया से बारे धुप्पी चली गई। तो जी गाइस देखो मेरे किचन का हाल बेहाल होया पिया, भांडे ही भांडे हर जगह थोड़ा नज़र आती है। सारे भांडे से धो के रखे है, तो यह सुबह दे दोपहर के फिर धोने वाले हो गए। जिस कहते ना औरतें जनी बस भांडे भांडे होकर रह जाती। उस तो बाद गाइस थक टुट गई सी, मैं समझ नहीं सी आती कि हम मैं की करा। तो मैं सोचा चलो दोपहर में ना थोड़ा जिहा रायता ही बना लें, क्योंकि मेरे ना हसबेंड की ना एक खूबी यह हैगी कि अगर उन्होंने रायते ना भी रोटी देना तो बड़े खुश होकर खा लेंगे। तो खीरा टमाटर प्याज तो थोड़ा सिखाया, वो साढ़े घर मौजूद से। तो मैं कहा चलो जी खीरा भी लो तो टमाटर लो तो नाल एक अद्धा प्याज कट्टो, तो दही तो साढ़े घर होंगे ही है, तो वो भी बिच पा के तो पैन उन्हें जरा रायता या सोना जहा करके बना लो करारा जहा, तो बड़ा मज़ेदार बनता है। कुछ लोग ना रायते मसाले बहुते पा देंगे, तो वह सारा ना वह यमी जहापन हों खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ थोड़े जे मसाले ही पानी है, तो यह मेरे को तकरीबन थोड़ा जहा दही से। मैं कहा चल काफ़ी है दो जनिया वास्ते, बाकी बच्चों ने तो आलू आंडे सारा खा लेना सी। तो रायते मैं तीन चीज़ा बस पा लगी हैं, तो यह जरा है ना जूस वगैरह नहीं है, इस मैं धनिया तो पुदीने का ना थोड़ा जहा कुट के रखा ना ग्रैंड जहा कर लेनी होंगी, कि कुटन का बहुत टाइम लगता है। तो यह हूँ मैं ना सारा कुछ पा देना है, चटनी शटनी तो जाके ना यह जरा जरा मज़ा जदार किस्म का बन जाए। तुम भी इन्हें जरूर ट्राई करना, अजकल दोपहर में खाने के अगर नाल होगा ना तो मज़ा आ जाता है। उस तो बाद मैं क्या चलो जी ये खीरे वगैरह, और तो बच्चे जोड़े है ना हाथ मारने बाज नहीं आते, कहते जी ममा असी पाने। तो यह जो जीरा है ना इनू मैं ग्रैंड करके रखा हों, क्योंकि साबत जीरा अगर पाओ ना तो बच्चे मुँह चो कड़ के सट देंगे, उन्हें पसंद ही नहीं आता। तो इसलिए मैं ना थोड़ा जहा जीरा जरा ना ग्रैंड कर लिया, तो यह मैं रायते शामिल कर लिया। उस तो बाद मैं जो खीरा टमाटर तो प्याज कट्टे से वह भी पाने, तो अच्छ मैं क्या चलो इस ना थोड़ा जहा काला नमक भी पानी है। काला नमक का तो अपना टेस्ट है नाले हाजमेदार होंगे। तो फिर मैं ना थोड़ा जहा काला नमक जरा ना ये पा के पाया बिच, तो बड़ा यानी कि कसम ना एडा मज़ेदार बनया ना कि बस की दसा। तो तुम लोग भी इन्हों ना जरूर ट्राई करया करो, छोटी छोटी खुशियां वे इन्हों रुझियो जिस तरह दिल करता है। तो मैं दसना जरूर कि मेरी पंजाबी किस तरह की है, तो मैं कैसी बोल रही है, थोड़ी छोटी मोटी कोशिश आ। हाई तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, इंशाल्लाह अगे अगे ना थोड़ा अच्छे अच्छे ब्लॉग भी बनावगी, सुबह दोपहर की रूटीन भी शेयर करांगी। लेकिन हजे तो मैं थोड़ा सा ना देख रही हूँ कि मेरे जो ऑडियंस मेरे जो व्यूज व्यूअर्स है वो कैसा रिस्पोंस देंगे मेरे वीडियोज़ में। तो जी गाइस ये देखे मैंने ना इस सारा कुछ पा लिया, तो हूँ आखिरी जरा सी ना टच वो मैं देता है चाट मसाले का। ये चाट मसाला जोड़ा है ना अभी बाजारों नहीं लेके आते, ये असी 13 मसाले ना घर हो तैयार करी, तो ये थोड़ा जहा पाओ तो बड़ा मज़ेदार बनता है। तो अकेला फीस